हेलो क्लास थ्री, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू डाटा हैंडलिंग। आज हम करेंगे डाटा हैंडलिंग लेसन नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। फर्स्ट देखो, ये है पिक्टोग्राफ, ठीक है। आज हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि किस तरह से हम डाटा को निकालते हैं थ्रू पिक्चर्स, ओके। सो ये क्या है, पिक्टोग्राफ, हम इसे कहते हैं पिक्टोग्राफ, जिस तरह से आपको इस तरह से टेबल्स आता है पिक्चर्स के साथ, ओके। लाइक इज, यहाँ पर जो है ये गर्ल क्या कह रही है, दिस इज रोहन्स बैग, कि ये रोहन का बैग है। ही हैज मैनी थिंग्स इन इट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसने क्या क्या बताया कि उसमें क्या क्या है, 5 books, 4 notebooks, 6 pencils and 2 erasers, ओके। नाउ रोहन वॉन्ट्स टू पुट दिस इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपल वे, ठीक है। तो उसकी हेल्प करते हैं कि उसे हम किस तरह से बताएंगे कि उसके पास क्या क्या सामान है, ठीक है, क्या क्या थिंग्स हैं और कितनी कितनी हैं। सो लेट अस हेल्प हिम, तो उसकी हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर हमने क्या बना दिया, एक डाटा बना दिया। देखो, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल्स एंड इरेजर्स, ओके। बुक्स उसके पास कितनी है, 5। तो देखो, हमने 1, 2, 3, 4, 5 हमने 5 books ड्रॉ कर दी, ओके। नोटबुक्स कितनी है, 4। तो 1, 2, 3, 4 क्या है यहाँ पर, नोटबुक। तो हमें यहाँ पर नोटबुक ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट, पेंसिल्स है यहाँ पर 6। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर भी कितनी ड्रॉ कर दी हमने, 6। नेक्स्ट, इरेजर्स 2, ओके। सो स्टूडेंट, ये क्या हो गया, एक डाटा हमने उसकी हेल्प की, ठीक है। नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड कम्पेयर द डाटा, ये ए पार्ट इज। अब आपको स्टूडेंट इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछे होते हैं, ठीक है, आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो देखो, यहाँ पर पूछा है विच इज मोर इन रोहन बैग, नोटबुक्स और बुक्स, कि रोहन के बैग में क्या सबसे ज्यादा है, बुक्स ज्यादा है या नोटबुक्स ज्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी बुक्स है, 1, 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो कितने नंबर है, 5, और नोटबुक्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, only 4। तो देखो, अब रोहन के बैग में सबसे ज्यादा क्या है, बुक्स, क्योंकि बुक्स कितनी है, 5। तो हमने यहां लिख दिया बुक्स आर मोर, ओके। लाइक ए सेकेंड क्वेश्चन, देखो, हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन हिज बैग, उसके बैग में कितनी पेंसिल्स हैं। तो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी है, 6। तो हम यहां पर लिख देंगे, आप नंबर लिख दोगे, 6 pencils इन हिज बैग। स्टूडेंट इस तरह से हम डाटा के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल है, अनिल एंड हिज फ्रेंड्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ बुक्स ईच वन हैज, यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है, कि अनिल एंड हिज जो उसके फ्रेंड्स हैं उनकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट की गई है। देखो, नेम एंड नंबर ऑफ बुक्स, की उन्होंने कितनी बुक्स ली है, अनिल की है 4, ममता की है 5, निखिल 9, आरुषि 6 एंड सुमित 2। बट स्टूडेंट्स दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या डिसाइड किया, कि टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन यूजिंग पिक्चर्स, की वो पिक्चर्स में करेंगे, क्योंकि हम क्या, तो उन्होंने ये टेबल ड्रॉ किया। देखो, अनिल, पहले हमने यहाँ पर नेम लिख लिया, अनिल, ममता, निखिल, आरुषि एंड सुमित। अनिल ने कितनी की, 4। स्टूडेंट आप ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 book का, इसका मतलब है कि 1 book, ठीक है, जो यहाँ पर ये ड्रॉ हुई है इसका मतलब है 1 book। तो देखो, हम कितनी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, 4, 1, 2, 3, 4, ओके। उन्होंने 1 book इस तरह से ड्रॉ की। नाउ ममता की कितनी है, 5। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, हम यहाँ पर नंबर भी लिखते जाएंगे। देखो, 4 and 5। नेक्स्ट, निखिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 9 लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आरुषि की कितनी है, 6। स्टूडेंट यहाँ पर भी दिया गया, देखो, आरुषि की कितनी है, 6। नाउ सुमित की कितनी है, 2, ओके। स्टूडेंट ये इसका मतलब क्या है, 1 book। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अ पिक्टोग्राफ। स्टूडेंट इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, जो हम पिक्चर्स में बताते हैं इन्फॉर्मेशन, ओके। इट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, ये नंबर्स को बताता है, जैसे कि ये क्या बता रहा है, 1 number, ठीक है, ये 1 book है, ये कितनी है, 1, तो ये कितनी होगी सारी की सारी, 1, 2, 3, 4, ओके। यूजिंग द पिक्टोग्राफ वी कैन इजीली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आप इस टेबल को देख के इजीली आंसर्स दे सकते हो। लाइक इस, देखो यहां पर है, हु हैज द मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मैनी, कि किसके पास सबसे ज्यादा बुक्स हैं। तो देखो, अब हमने यहां पर नंबर भी लिख दिए, तो किसके पास सबसे ज्यादा है, 9, निखिल। तो आपका आंसर होगा, निखिल हैज मोस्ट नंबर ऑफ बुक्स, और कितनी है, 9, ओके। लाइक इस, नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स डज ममता है, ममता के पास कितनी है, तो यहां पर कितनी है, 5 books, तो आप लिख सकते हो, 5 books, ओके।
स्टूडेंट अब हमने पिक्टोग्राफ तो देख लिया कि हम किस तरह से बनाते हैं, अब है नेक्स्ट बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ कैसे होता है? एग्जाम्पल टू, स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूज द स्कूल बस। ठीक है, इतनी क्लासेस के बच्चे स्कूल बस का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा पहले हमने क्लास थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 300 250, किसमें है फोर्थ क्लास में, एंड फिफ्थ क्लास में कितने हैं 400। तो स्टूडेंट द इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म यूजिंग अ बार ग्राफ। ठीक है, अब हम बार ग्राफ की हेल्प से इस इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं बार ग्राफ, जो आपको इस तरह से दिखाई दे उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, the classes are represented on horizontal line। इसमें horizontal line में क्या शो की गई है, classes, पहले है थर्ड, फिर है फोर्थ एंड फिर है फिफ्थ। ओके, और स्टूडेंट ये ब्लॉक बने हैं। ठीक है, और ये है आपकी क्लास, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो है आपकी क्लास, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द वर्टिकल लाइन, जो इस तरह से आपको लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। स्टूडेंट देखो 100 200 300 400 एंड 500, ये क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कितने हैं। ओके स्टूडेंट, अब आपको इसमें जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कैसे आंसर्स करोगे, ऑब्जर्व दैट द बार्स आर इक्वल इन विड्थ एंड प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इनको जो है, जो बार्स लगी हैं आपकी, इनको ऑब्जर्व करो कि ये सारी सारी इक्वल है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी इक्वल लग रही हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, लाइक इस फर्स्ट देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ यूज द स्कूल बस। हमसे कौन सी क्लास पूछी गई है, फोर्थ क्लास। ओके तो हमने फोर्थ क्लास के बताने हैं इस पिक्चर को देख के कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर जो फोर्थ क्लास है उसमें वो क्या है, येलो कलर किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये येलो कलर है, और स्टूडेंट यहां पर देखना है आपने कि 200 है, मतलब ये हाफ। ठीक है, ये इसके हाफ में है, तो 200 मींस यहां पर है 250। ओके तो स्टूडेंट ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ यूज द स्कूल बस। ओके नाउ लाइक इट स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये सच है या गलत है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थ्री के स्टूडेंट्स who use the school bus is more than the number of students of class 5th who use the school bus, ki class 3 ke bacche zyada hain class 5th se, to dekho no, ye kya hai false, yahan par hum likhe false, kyunki 3rd mein kya hai kam bacche hain, dekho yahan par to 300 hai, but aapki 5th mein kitne hain dekho 400। okay to yahan par hum likhenge false। okay Like is next, what is the total number of students who use the school bus? Student, ये आप क्या करोगे, आप इन सभी का total करोगे, 300 plus 250 plus 400, जो भी total आएगा वो आप यहाँ पर write down करोगे। okay? ये मैं आपका online class में जरूर check करूंगी, आपने total करना है और यहाँ पर लिखना है कि सारे students कितने हैं सारी classes के। स्टूडेंट अब आप करोगे एक्टिविटी वन, रीडिंग अ पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ। ओके तो देखो फर्स्ट आपको दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्लास थ्री स्टूडेंट्स। ओके जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके कौन कौन से सब्जेक्ट फेवरेट हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको पिक्चर दी गई है। देखो इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं, यहां पर कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5, हिंदी में भी, मैथ्स में भी, ईवीएस में भी एंड आर्ट्स में भी। बट स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, वन पिक्चर का मतलब क्या है, फाइव स्टूडेंट्स, मतलब हर एक पिक्चर का क्या मतलब है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, फाइव स्टूडेंट्स। तो आप इनके ऊपर लिख दोगे 5 + 5 + 5 + 5 एंड + 5, तो स्टूडेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 = 25 स्टूडेंट्स, मतलब इंग्लिश को कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, 25। ओके कितनों का फेवरेट सब्जेक्ट है ये, 25 स्टूडेंट्स। वैसे ही आप हिंदी का निकालोगे, अब देखो यहां पर 5 + 5 + 5, आप 5 को प्लस भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अब देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, तो आपने 3 पहले लिख लिया, इंटू 5 से कर दो, 3 × 5 = 15, तो हिंदी को कितनों ने पसंद किया, 15, कितनों का फेवरेट सब्जेक्ट है, 15 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट मैथ्स,
यहाँ पर भी फाइव फाइव स्टूडेंट याद रखना है आपने, पर काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो अब आप क्या कर दोगे, 6 multiplied by 5, क्योंकि 5 क्या है, स्टूडेंट्स। तो 6 multiplied by 5 is equal to 30। तो कितने स्टूडेंट्स हुए ये, 30, जिन्होंने मैथ्स को पसंद किया है। ईवीएस वैसे ही 4 into 5 is equal to 20 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 into 5 कितने हो गए, 40। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, आर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं, 40। ओके स्टूडेंट, इस बिहाफ पे जब आपने साइड में कर लिया है तो अब आप क्वेश्चंस करोगे, विच सब्जेक्ट इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है, कौन सा है, आर्ट। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे आर्ट, क्योंकि यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, मैथ्स कितने पसंद किया, 30 स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 स्टूडेंट्स। विच सब्जेक्ट इज लाइक मोर, कि सबसे ज्यादा किस कौन सा सब्जेक्ट लाइक मतलब सबसे ज्यादा पसंद किया, इंग्लिश और ईवीएस, हमने इन्हीं में बताना है। तो देखो इंग्लिश में कितने हैं, 25, और ईवीएस में कितने, 20। तो सबसे ज्यादा किया इंग्लिश, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इंग्लिश। विच सब्जेक्ट इज द लीस्ट फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स, जो सबसे ज्यादा कम पसंद किया है, कौन सा है, हिंदी, क्योंकि इसमें कितने हैं, 15, ओनली 15 स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख दोगे हिंदी। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 3, अब हमें बताना है कि क्लास 3 में सारे के सारे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पहले सभी को काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने स्टूडेंट्स है, 26। तो स्टूडेंट आप 26 into 5 कर दो, क्योंकि 1 जो ये पिक्चर है उसका मतलब है 5 स्टूडेंट्स। तो 26 into 5 ये करके देखो आप कितना आएगा, 130 स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका टोटल। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, राइट ट्रू और फॉल्स, ओके ये आप अपने आप करोगे। आप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप करोगे, बट ध्यान रखना कि 1 पिक्चर का मतलब है 2 करेक्ट स्पेलिंग्स, मतलब 2 + 2, इसको आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो आप कर दोगे 11 into 2 is equal to, ओके ये आपने ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 वर आस्क्ड अबाउट देयर हॉबी, हॉबीज के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर हमने हॉबी लिखी है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, बार ग्राफ, इसकी हेल्प से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हॉबी कौन कौन सी है, डांस, म्यूजिक, आउटडोर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, और इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से उन्हें पसंद किया है, देखो 40। ठीक है, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो 40, आप यहां पर लिख सकते हो 60, यहां पर है 70 और ये है 60। तो देखो डांस कितने ने पसंद किया, 40 स्टूडेंट, म्यूजिक 60, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट, इसी बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। देखो विच इज द लीस्ट पॉपुलर हॉबी, जो सबसे कम पसंद की है वो कितने हैं, देखो जो सबसे ज्यादा डाउन है कौन सा है, डांस, वो तो सिर्फ 40 स्टूडेंट से किया, तो आप लिखोगे यहां पर डांस। एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करोगे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में, और आप मुझे ऑडियो भी सेंड कर सकते हो। ओके थैंक यू।